उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें। फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में दो कारों की आमने सामने टक्कर में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उन्हें लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने 78 वर्षीय महरूम निशा को मृत घोषित कर दिया गया, जिससे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। राजधानी लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खजांची का 8वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर अखिलेश यादव ने भाजपा को निशाने पर लिया, कहा कि नोटबंदी के किसी भी दावे को सरकार पूरा नहीं कर पाई। नोटबंदी केवल दिखावटी बनकर रह गई, एक स्लो पॉइजन के जैसे इसने किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सभी को शिकार बनाया। मैनपुरी करहल उपचुनाव में शिवपाल यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उपचुनाव में बीजेपी महिलाओं को टिकट न देने पर और किसानों में खादों की किल्लत को लेकर बीजेपी को घेरा। सपा ने उपचुनाव में 5 महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बनाया। शिवपाल यादव ने दावा किया कि उपचुनाव में सपा की 9 की 9 सीट जीतने जा रही हैं। पोस्टर वॉर से सपा पर कोई असर नहीं पड़ता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सामूहिक बलात्कार पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। अब पुलिस बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए आरोपियों के DNA की जाँच कर रही है। इसके बाद बच्ची के जैविक पिता का पता चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक गैंगरेप की पीड़िता ने 18 अक्टूबर को एक बच्ची को जन्म दिया। प्रकाश कमल कुमार श्रवण और अवधेश यादव महिला के रेप के आरोपी हैं। लखनऊ की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वॉर ने जोर पकड़ा है और इसकी ताजा कड़ी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे एक नए पोस्टर से जुड़ी है। सपा नेता मोहम्मद इकलाक ने ये पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है, तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में PDA का इंकलाब लिखेंगे। योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे के बाद जवाबी रूप में यह पोस्टर लगातार सपा की ओर से देखने को मिल रहे हैं।